पाकिस्तान के लाहौर आर्मी कैंट पर हमले के मामले में अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जमानत मिल गई है। इससे पहले उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। आपको बता दें कि इमरान खान को 2 जून तक जमानत मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 19 मई को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर पद की शपथ दिलाई। सीजे चंद्रचूड़ ने कोर्ट के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 नए जजों को पद की शपथ दिलाई। 2 नए जजों की शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, जो इसकी स्वीकृत संख्या है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अहमदी का कहना था कि कार्बन डेटिंग 22 तारीख को शुरू हो सकती है, ऐसे में रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। भारद्वाज ने एलजी को सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले की फाइल पास करने की अपील को लेकर ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मंत्री भारद्वाज ने कहा कि हमने 2 दिन पहले सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाने की फाइल भेजी थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फाइल भेजी है। कान फिल्म फेस्टिवल को 3 दिन बीत चुके हैं। इवेंट की शुरुआत से ही सभी ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। फाइनली तीसरे दिन ऐश्वर्या रेड कारपेट पर बेहद अलग अंदाज में नजर आई। एक्ट्रेस ने इस खास मौके के लिए ब्लैक गाउन के साथ बड़ा सिल्वर हुडी कैरी किया, जो उन्हें बेहद अलग लुक दे रहा था। अब ट्विटर के ब्लूटिक के साथ वेरीफाइड सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकेंगे। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट करके इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी। हालांकि यूजर्स मैक्सिमम 8 GB तक का ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अनुष्का शर्मा ने 15 मई को ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी कार छोड़कर बाइक की सवारी की। इस दौरान वे और बाइक चलाने वाला शख्स दोनों बिना हेलमेट के थे। अब पुलिस ने अनुष्का को भारी भरकम चालान थमा दिया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि अनुष्का के ऊपर 10,500 रुपए का चालान लगाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 4 साल 29 दिन बाद आईपीएल शतक लगाकर 8 महीने में क्रिकेट के हर फॉर्मेट और टूर्नामेंट में अपना कमबैक पूरा कर लिया है। 2019 में 70वें इंटरनेशनल शतक के बाद दिसंबर 2022 तक विराट के बैट से कोई सेंचुरी नहीं आई थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में गुरुवार यानी 18 मई को ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दिल्ली मुख्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ राजद विधायक किरण देवी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के ठीक 48 घंटे बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 19 मई को टाटा मोटर्स लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी को मुंबई में 1400 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए टेंडर बोली से अयोग्य घोषित करने के बेस्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। बेस्ट की ओर से हैदराबाद स्थित एवरी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड को यह करार दिया गया था। कनाडा में कल यानी 20 मई को सीतारमैया का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के बहुत से नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन मौजूदा जानकारी के मुताबिक ममता शामिल नहीं होंगी। गौरतलब है कि ममता ने सांसद काकोली दस्तीदार को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बीजेपी चुनावी साल में जनता से मोदी सरकार के कामकाज पर सीधा फीडबैक लेने की तैयारी में। बीजेपी सांसद जनता से सरकार की योजनाओं को लेकर सीधा फीडबैक लेंगे और बीजेपी आलाकमान को देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों को ये निर्देश दिया है। दरअसल बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 1 महीने तक संपर्क अभियान चला रही है। एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई 22 मई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि वानखेड़े कल यानी 20 मई से सीबीआई की पूछताछ में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा न्याय व्यवस्था और जाँच एजेंसियों पर पूरा विश्वास है, मैं जाँच में पूरा सहयोग करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए। पीएम मोदी ने बताया कि वो यहां G7 में हिस्सा लेने सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर हिरोशिमा आए हैं। दरअसल जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी विवादों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। पहले वीकेंड में ही ब्लॉकबस्टर घोषित हो चुकी फिल्म ने 18 मई को थिएटर्स में 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। दूसरे वीकेंड में फिल्म की रफ्तार बता रही है कि ये जल्द ही साल की दूसरी बॉलीवुड फिल्म होने वाली है जिसका कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा होगा।